जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सर्किट ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। एक अनदर वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी खास बात जो आपने हेडिंग्स में देख चुके होंगे उसकी पुष्टिकरण हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, सरकार के पास टेलीकॉम कंपनी का कितना करोड़ रुपया बकाया है अभी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ साथ उस कंपनियों का पुष्टिकरण करेंगे। लेकिन देखें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को किसी जगह पे किसी तरह का बाइंग या सेलिंग का सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ। जो भी अगर आपको करना है तो आपको सलाहकार से सलाह लेके ही आपको काम करना है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया का बकाया। दोस्तों, हम बिल्कुल टीवी का न्यूज फॉलो नहीं करते हैं, ना मैं किसी को फॉलो करने के लिए कहता हूँ। मैं सिर्फ जो एक्चुअल न्यूज आता है उसका पुष्टिकरण हमारे चैनल के वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। देखिए, पिछले 3 दिन में मैं 3 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले आपको अवगाह किया था कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और वक्फ फार्मा के ऊपर क्या होने वाला है। उसके बाद आपको बीपीसीएल के बारे में अवगाह किया था। तो बीपीसीएल बिकने वाले हैं, 4 महीने में बिक जाएंगे सरकारी कंपनी। इन सब वीडियो को आपने अगर नहीं देखे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और आज अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं इस टाइप का जब भी वीडियो इंफॉर्मेशनल आपके लिए बनाता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और उसका पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सरकार की तरफ से सरकार ने संसद में बताया है कि टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 1.5 लाख करोड़ की देनदारी बनती है। सरकार ने बताया है कि करीब 30/10/2018 तक टेलीकॉम कंपनियों पर 55,054.51 करोड़ का SUC बकाया है। देखिए, अभी SUC क्या है? आम भाषा में हम लोग अगर नॉर्मल ट्रेडर है हम लोग तो क्या करते हैं, हम इतना शॉर्ट फॉर्म पता नहीं होता है, तो इसलिए SUC के बारे में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस। तो स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का अभी सरकार के पास बाकी है। तो सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का चार्ज चुकाने के लिए कहा है। इन कंपनियों पर लाइसेंस फीस के अलावा 55,054.51 करोड़ रुपया का बकाया है। टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस फीस के तौर पर 53,000 करोड़ रुपया चुकाना है। तो देखिए, सॉरी 93,000 करोड़ चुकाना है। 93,000 करोड़ तो अलग है, और ये सिर्फ अभी 55,000 करोड़ रुपया है जो SUC का चार्जेस है। तो आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा चार्जेस अगर कंपनी को चुकाना है, तो हम इसके बाद देखेंगे कौन सी कंपनी के ऊपर कितना बकाया है और कौन सी कंपनी को कितना चुकाना है। देखिए, कंपनियों के लाइबिलिटीज इस प्रकार के है। भारती एयरटेल जो सबसे ज्यादा चर्चित में है, जिसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो लगातार 3 दिन से भागे जा रहा था क्योंकि बाजार में ओनली वन शेयर बचा हुआ था भारतीय एयरटेल, अब उसको उस शेयर के ऊपर माथे में मार दिया लाठी। तो इस खबर को सबसे पहले आपको पहुंचाने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो देखिए, भारतीय एयरटेल के ऊपर 13,904 करोड़ रुपया की चुकाना है। हम इसके साथ साथ इसका बैलेंस शीट को देखिए दोस्त, screener.com की मदद से हम यहाँ पे आ चुके हैं भारतीय एयरटेल का वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल क्या है। 2,25,473 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस आज का इसका चल रहा है 439 से 437 के आसपास, और यहाँ पे हम अगर 52 एक हाई देखें तो 445 हाई है, 258 लो है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 136 इसका बुक वैल्यू है। पी रेशियो 73 पी रेशियो हो गया। आपने देख पा रहे पी रेशियो कितना ऊपर भागा हुआ है इसका, और डिविडेंड इसने बहुत ही कम पे करता है, और सेल्स ग्रोथ उसका माइनस में चल रहा है 5.77। तो जिन लोग लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए कंपनी को ढूंढते हैं और उन लोगों को कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर इसका मैक्सिमम पीरियड का प्राइस देखा जाए तो मैक्सिमम ट्रेड का प्राइस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लगभग 750 से 780 के आसपास, जो कि अभी भी आपको वही 750 के आसपास प्राइस चल रहा है, और इस टाइम से यहाँ से किसी जगह से ये गिर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो मेन चीज आपके साथ मैं खुलासा करूंगा वो इसका रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट।
तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम इसको देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं 3 दिन से आपको वीडियो में यही चर्चा कर रहा हूँ, ये जो डिप्रिसिएशन का कलम है ये आपको जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना है, 6,759 करोड़ रुपया इसका डिप्रिसिएशन है। उसके बाद सितंबर 2019 में 6,935 करोड़ रुपया इसका डिप्रिसिएशन है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हाल फिलहाल इसका माइनस में जा रहा है। तो फिर क्यों भाग रहा है ये आपको इतना सोचना चाहिए कि ऐसे कंडीशन पे ये स्टॉक क्यों इतना भागे जा रहा है। देखिए दोस्त मैं एक बात आपको कहूं कि कभी कभी ऐसे एक चीज चलता है मार्केट में, ठीक है, वो चीज आपको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स का एक गेम चलता है और कभी कभी ऐसे न्यूज बाजार में आ जाता है, बनाया जाता है न्यूज, ऐसे बनाया जाता है जिसका कारण से उस स्टॉक को बेमतलब भगाया जाता है ताकि आम निवेशक फंस जाए उसके अंदर, और जिन लोग इस न्यूज को बनाए थे, जिन लोग पहले से बैठे थे, उन लोग यहाँ से निकल जाए और आप और हमारा बस की बात नहीं है उनका फंडा को समझ पाना। तो यहाँ पे हम इसका बैलेंस शीट में और ध्यान देंगे कि इस और किस तरह का यहाँ से काम चल रहा है। तो देखिए यार्ली बेस में देखें तो 2016 में 6,000 करोड़ रुपया, 2017 में 3,000 करोड़ रुपया, 2018 में 1,000 करोड़ रुपया, 2019 में 410 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट है इसका। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं और मैं कहां पे आपको आगाह कर रहा हूं जो क्या करने के लिए। यहां पे आप डिप्रिसिएशन देखेंगे तो 21,000 करोड़ रुपया उसका 24,000 करोड़ रुपया इसका डिप्रिसिएशन है। तो फिर क्यों आप आग में पैसा फेंकेंगे। देखिए मेरा कोई मतलब नहीं है आपको पैसे से, आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सही सलाह आप लोगों को देना इस वीडियो के माध्यम से, ये आप मेरा काम है, ठीक है। इसके एसेट देख पा रहे हैं आप, एसेट अगर देखा जाए तो 2,59,474 और यहाँ पे 2,84,283। ये 3-4 चीज बैलेंस शीट में आपको मेन मेन देखना है। तो ये 3-4 चीज मैं दिखा दिया और इसके बाद काम आपका है, आप किसमें पैसा लगाए किसमें ना लगाए, मेरा कोई किसी तरह का सलाह नहीं है। देखिए दोस्तों ये चर्चा हम कर चुके हैं भारतीय एयरटेल के बारे में और इसके बाद जो कंपनी का नाम आता है वो आता है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का क्या स्थिति है मार्केट में, क्या इसका चल रहा है, कहां से प्राइस कहां आ गया है, इसके बारे में तो आपको पता ही है अगर आप मार्केट में बने रहते हैं। तो इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं इसके ऊपर भी 17,000 करोड़ रुपया का। देखिए भारतीय एयरटेल कितना बड़ा कंपनी है, कितना बड़ा इसका प्राइस है, इसके ऊपर 13,000 करोड़ रुपया, वोडाफोन के ऊपर 17,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। तो अगर इसके बैलेंस शीट भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए शॉर्ट टाइम के अंदर मैं इसका भी बैलेंस शीट आपको दिखाने का कोशिश करूंगा वोडाफोन का, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है 17,000 करोड़ रुपया, आप समझ रहे हैं 17,000 करोड़ रुपया तो सरकार को लेना है। बुक वैल्यू है इसका 8 रुपया, करेंट प्राइस इसका चल रहा है 7 रुपया, 6 रुपया 7 रुपया के आसपास, पी रेशियो इसको खत्म हो चुका है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपया। मतलब जो कंपनी के प्रोमोटर ने फेस वैल्यू के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो इस चैनल पे बने रहिए, मैं सारे चीज के ऊपर एक एक पॉइंट टू पॉइंट में वीडियो बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग ने जिन पैसा को लगाए थे उस पैसे का वैल्यू अभी 10 रुपये में आ गया है और शेयर प्राइस भी अभी 10 रुपये से नीचे आ गया है। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं बिता सकता, जस्ट मैं इसका प्रॉफिट लॉस आपको दिखा दूं इसका प्रॉफिट लॉस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इसका डिप्रिसिएशन देखा जाए तो यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपया तो इसका डिप्रिसिएशन है दोस्त, ठीक है, और नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते, हमारे को 10 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करना है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती आ गया है। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा इस जो मिनट का फंडा है इसको खत्म करने का। तो दोस्त बाकी कंपनियों के बारे में ज्यादा जिक्र इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। देखिए वोडाफोन और आइडिया ये अलग अलग था तो इसके ऊपर ये था, रिलायंस कम्युनिकेशन को इतना है और महानगर टेलीकॉम के ऊपर इतना कर्ज है। दोस्त यहाँ तक वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसका शेड्यूल इस तरह का है, जय हिंद जय भारत। जो भी कमेंट्स है आपका मन में वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। देखिए दोस्त अभी तक अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाइए क्योंकि जब भी मैं वीडियो छोड़ू वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसका लाभ उठा सके।